हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल प्रोग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज से बच्चों स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों ईवीएस और क्लास थर्ड का है बच्चों ईवीएस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है बच्चों फैमिली, राइट। तो फैमिली के बारे में इन डेप्थ एंड डिटेल समझेंगे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप को समझाएंगे आपको, एकदम डिटेल्स एंटायर समझ में आ जाएगा कि फैमिलीज क्या होता है बच्चों, टाइप ऑफ फैमिलीज क्या होता है, कितने टाइप्स के फैमिलीज होते हैं, बिग फैमिलीज क्या होता है, स्मॉल फैमिलीज क्या होता है, जॉइंट फैमिलीज क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिलीज क्या होता है, इन सभी पे बच्चों इस वीडियोस में आपको डिटेल डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और अगर आपने अब तक पढ़े होंगे फैमिली बच्चों तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आई थिंक, मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई और वीडियो देखने की रिक्वायर होगा, क्योंकि इतने ही सारे टॉपिक को इस वीडियो में कवर कराया जाएगा आपको, राइट। तो चलिए हम देखते हैं। फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फैमिलीज क्या होता है, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों कि स्मॉल फैमिलीज क्या होता है, बिग फैमिलीज क्या होता है, ज्वाइंट फैमिलीज क्या होता है, और इन सभी कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद एक हम करेंगे टेस्ट योरसेल्फ, राइट। टेस्ट योरसेल्फ कि आपने कितने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसमें से कितने के आंसर्स आप खुद भी दे पाते हैं, ये सारे चीज हम करेंगे। तो वीडियोस को कंप्लीट देखो जिससे कि आपको कंप्लीट चीजें को समझ आ जाएगा, राइट। चलिए तो मूव करते हैं अगले स्लाइड पे। तो देखो सबसे पहला स्लाइड है बच्चों फैमिली। आपके अगर चैप्टर, जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो ना, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये चैप्टर है क्या। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में उठना चाहिए, व्हाट इज अ फैमिली। तो फैमिली क्या होता है बच्चों, फैमिली जो होता है एक यूनिट होता है। क्या होता है फैमिली, फैमिली इज द यूनिट ऑफ अ सोसाइटी, एक फर्स्ट यूनिट ऑफ सोसाइटीज कह सकते हैं, या इवन डेफिनेशन में भी यहाँ पे लिख रखा है बच्चों, आप चाहो इस डेफिनेशन को भी देख सकते हो। फैमिली इज द ग्रुप ऑफ अ पीपल्स लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड फैमिली। मतलब फैमिली एक ग्रुप ऑफ पीपल्स का होता है जहां पे सब लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड फैमिली। जैसे आपके घर की अगर मैं बात कर लूं बच्चों, तो आप होंगे, आपके सिस्टर्स होंगे, आपके मदर्स होंगे एंड आपके फादर्स होंगे, तो फोर मेंबर्स हुए, तो ये एक फैमिली इज हुआ। या दूसरे डेफिनेशन में भी कह सकते हैं, फैमिली इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ सोसाइटी। सोसाइटी का जो पहला यूनिट होता है ना बच्चों, वो फैमिली ही होता है। तो ओवर इन ऑल फैमिली समझ में आया, ओके। अब आप देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है बच्चों, वी ऑल लिविंग इन अ फैमिली, जितने भी लोग हैं वो सब कोई ना कोई किसी न किसी फैमिली में रहते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा है, अ फैमिली इज इंक्लूड्स मदर्स, फादर्स, सन, डॉटर, अंकल, आंट एंड ग्रेट पेरेंट्स। आंट कह सकते हो बच्चों, ठीक है ना। चलो तो ये जो फैमिली जिसमें ये सारे लोग होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। आगे हम डिस्कस करेंगे इन चीजों पे, बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमने ये समझा कि फैमिलीज क्या होता है, फैमिलीज में कई सारे लोग रहते हैं, उनके भी नेम्स देखे। अब देखो बच्चों टाइप्स ऑफ फैमिलीज है, क्या है टाइप ऑफ फैमिलीज। तो देखो फैमिली की अगर मैं टाइप की बात करूं, तो कैसे टाइप्स होता है, कैसे आप कहेंगे कि फैमिली के टाइप है, अकॉर्डिंग टू देयर मेंबर्स इन योर फैमिलीज। आजकल क्या होता है बच्चों की बड़ा फैमिलीज हो जाता है ना, तो कई लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कितनी बड़ी फैमिली के टेंशन हो जाता है, उनके प्रेशर हो जाता है, तो इनको मेंबर के अकॉर्डिंग फैमिली को क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, राइट। तो देखिए उनको हमने एक लाइन लिख रखा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ अ फैमिली मेंबर्स। मतलब फैमिली का जो टाइप्स मैं बताने जा रहा हूँ, जो थ्री टाइप्स होते हैं बच्चों, वो किसके है, मेंबर के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। कैसे, चलिए तो देखिए, पहला है बच्चों स्मॉल फैमिलीज, दूसरा है बिग फैमिलीज, और तीसरा है ज्वाइंट फैमिली। किसके अकॉर्डिंग है, नंबर के अकॉर्डिंग है। क्या है बच्चों, नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो बच्चों जिसमें थ्री या फोर मेंबर्स होता है, थ्री या अगर फोर मेंबर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल फैमिलीज। जिसमें इसमें क्या होता है बच्चों, जिसके पास दो चिल्ड्रन होता है,
राइट, जिसके पास टू मोर चिल्ड्रेन होते हैं, मोर देन टू चिल्ड्रेन, क्या मोर देन अगर टू चिल्ड्रेन होगा तो बिग फैमिलीज होगा, ठीक है, और दो से ज्यादा या थ्री या फोर चिल्ड्रेन हो जाता है जिसको, जिसमें फादर्स ग्रेट फादर्स भी आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली। मतलब क्या हुआ बच्चों, चार से ज्यादा फैमिलीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बिग फैमिली या ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली तो अभी आपने देख ही लिया, अब इनके अलग अलग डेफिनेशन को भी मैं बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से बहुत इजी से समझ पाओगे। आप चाहो बच्चों तो साथ साथ आप इनको वीडियो को रोक करके इस जो आपको ये जो पीपीटी बनाया है आप इनको चाहो तो नोट भी कर सकते हो अपनी नोटबुक पे, राइट। चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखो बच्चों, हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखिए बच्चों स्मॉल फैमिली, राइट। स्मॉल फैमिली अभी मैंने आपको बताया था जिसमें थ्री या फोर मेंबर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मॉल फैमिली, राइट। So here the definition, a family has three या four members are called small family. जिसमें four members होते हैं या three members होते हैं उसको हम लोग small family बोलते हैं। तो देखो बच्चे, इसका मैंने कुछ सब टॉपिक्स बना रखे हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है इसको समझना। चलिए तो समझते हैं, पहला पहला क्या है बच्चों, a small family is a happy family. Small family कैसा होता है बच्चों, happy family होता है। क्या होता है बच्चों, वाइफ हम लोग बच्चों happy families होते हैं। Small family is a happy family, पहली बात। दूसरी बात आप देखिए बच्चों, better life quality for their children. मतलब जो small family में जो child होते हैं, जो children होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी life, उनकी quality एकदम first class होता है बच्चों। क्यों होता है, क्योंकि बच्चे कम होते हैं तो उनके जो fathers होते हैं ना प्रॉपर अपने बच्चों पे केयर कर पाते हैं, अच्छे से ध्यान कर पाते हैं, अच्छे से टेंशन से ले पाते हैं। सो दैट इज द स्मॉल फैमिली इज द हैप्पी फैमिली, क्लियर, एंड बेटर लाइफ ऑफ क्वालिटी इंक्लूड ऑफ अ स्मॉल फैमिली, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है, लेस प्रेशर एंड फैमिली बजट। जो फैमिली का जो बजट होता है ना बच्चों, उसमें भी बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि बच्चे कम है तो उसके बजट भी कम होंगे, खर्च भी कम होंगे तो प्रेशर कम होंगे। एंड दूसरा, मैक्सिमम लेवल्स ऑफ द हैप्पीनेस, इनकी जो खुशी होती है बच्चों बहुत एक मैक्सिमम लेवल तक की खुशी होती है, राइट। उसके बाद किड्स गेट मोर अटेंशन, जो फादर्स होते हैं, जो मदर्स होते हैं, इट मींस पेरेंट्स होते हैं, वो अपने किड्स पे, अपने बच्चे पे बहुत ज्यादा अटेंशन कर पाते हैं, अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं उनके पढ़ाई पे, और सारे जितनी भी उनकी करिकुलम्स है उन सभी पे फोकस कर पाते हैं, क्लियर, ओके। एंड मोर फ्रीडम, और वो काफी फ्रीडम भी होते हैं, काफी खुश भी होते हैं। तो ये कुछ सब टॉपिक्स हैं, आप चाहते तो इसको अच्छे से नोट कर लो और इसको अच्छे से रिमेम्बर कर लेना, ओके। चलिए अब देखिए आगे क्या है बच्चों, बिग फैमिली। अगर मैं बिग फैमिली की बात कर लूं तो देखो, अ फैमिली विच हैज मोर देन टू चिल्ड्रन, टू चिल्ड्रेन से ज्यादा अगर होगा तो आप चाहे स्पीकर पर विजुअलाइज कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये फादर्स हो गए बच्चों, ये मदर्स हो गए, ये ग्रैंड फादर्स हो गए, ये ग्रैंड मदर्स होंगे, और ये क्या है बच्चों, इनके चाइल्ड्स है, राइट। तो ये है बिग फैमिली, और ये जो आप फिगर यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है बच्चों, फिगर से अगर आपको एनालाइज करना है तो यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, ये स्मॉल फैमिली का फिगर है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों इनके डिसएडवांटेज की ओर। तो डिसएडवांटेज में देखो बच्चों, इकोनॉमिक प्रेशर होता है, अगर बिग फैमिली होता है तो एक इकोनॉमिक प्रेशर होता है, क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा होता है, तो एक इकोनॉमिक प्रेशर होता है। दूसरा, मदर का जो हेल्थ होता है ना बच्चों, वो काफी कमजोर हो जाता है, दैट मींस पुअर हो जाता है, बिकॉज ऑफ देयर हैव अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इज अ बिग फैमिली। सो अदर पुअर हाउसिंग होता है बच्चों, इनसफिशियंट मेडिकल केसेस होते हैं, वहां पे जो मेडिकल केसेस होते हैं इनसफिशियंट, कभी भी एक बड़ा केसेस आ जाएगा, क्योंकि मल्टीपल चिल्ड्रेंस होंगे या ज्यादा चिल्ड्रेंस होंगे तो मेडिकल केसेस भी आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वो इनसफिशियंट होते हैं। तो आई होप आपको बिग फैमिली भी समझ में आएगी, डिटेल समझ में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे, स्लाइड नंबर फोर में देखो बच्चों क्या है ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली क्या, तो देखो सिंपल सी फंडा है ज्वाइंट फैमिली की, अगर मैं बात कर लूं, राइट। तो देखो ज्वाइंट फैमिली में यहाँ पढ़ेंगे कि ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड चिल्ड्रेन लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली।
जिस फैमिली के अंदर क्या होता है बच्चों, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, अंकल रहते हैं, आंट रहते हैं, चिल्ड्रंस रहते हैं, उस फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट फैमिलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ज्वाइंट फैमिलीज बोलते हैं। अब देखिए इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों मैंने लिख रखा है, जिससे कि आप खुद भी इस पॉइंट को एनालाइज कर सकते हो और अपने आप को एक फील दिला सकते हो कि हमें ज्वाइंट फैमिली में रहनी चाहिए या फिर आपको स्मॉल फैमिली में रहनी चाहिए या बिग फैमिली में रहनी चाहिए। वैसे बच्चों सबका अपना अपना एक क्या है कैटेगराइज है, डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हैं, किस सिचुएशन में रह रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग। वैसे अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज्वाइंट फैमिली इज द बेस्ट फैमिली, इंक्लूड ऑल द फैमिलीज, वर्क ऑन द मिशन ऑफ वन, राइट। एक मिशन पे अगर सारे फैमिली काम कर रहे हैं तो क्या होते हैं बच्चों, ज्वाइंट फैमिली ही बहुत अच्छे फैमिलीज होते हैं। लेकिन अगर ज्वाइंट फैमिली अगर वर्क नहीं करता है तो जो स्मॉल फैमिली इज द हैप्पीएस्ट फैमिली, राइट। सो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं इनके एडवांटेज की बात कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन लर्न टू लाइव टुगेदर इन ज्वाइंट फैमिली, मतलब जो बच्चे होते हैं ना वो एकदम लाइवली सबों के साथ मिल करके अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। एंड इमोशनल एंड फाइनेंशियल ज्वाइंट फैमिली, मतलब इसमें एक इमोशनल और फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम आता है। अगला क्या है, मोर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड ज्वाइंट फैमिली, यहाँ पे बच्चों का ज्वाइंट फैमिली में बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट होता है, क्योंकि कभी अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो उनको ज्यादा इंटरटेन हो जाता है, कभी आंट कभी अंकल कभी सो मेनी वन। एंड जो सबसे जो पॉपुलर लोग होते हैं बच्चों वो ग्रैंड मदर्स होते हैं एंड ग्रैंड फादर्स होते हैं, जो चाइल्ड के बच्चों के लिए एकदम खुशियां भर के लाता है और उनके साथ शेयर भी करता है। सो that's a more personal space in the nuclear family, right? ठीक है, तो ये कुछ उनके एडवांटेज थे किसके बच्चों, ज्वाइंट फैमिली के। अब इनके डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं, देखो अगर डिसएडवांटेज की बात कर रहे बच्चों, तो नो पर्सनल स्पेस इन अ ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली में कोई पर्सनल स्पेस नहीं होता, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। दूसरी, मोर फैमिली फ्रैक्शन इन ज्वाइंट फैमिली, सबका पोटेंशियल अलग अलग होता है, सबकी थिंकिंग ऑफ माइंड अलग अलग हो जाता है, ओके। अगला, मोर फाइनेंशियल लायबिलिटीज इन अ न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली को ही न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, ये चीज आपको याद रखना। इसमें फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि कहीं ज्यादा बजट हो जाता है, कहीं ज्यादा खर्च होते हैं, तो इसका एक प्रॉब्लम रहता है। एंड Children often grow up in this selfish in the nuclear family. इसमें जो बच्चे होते हैं वो selfish होकर के एकदम work करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर pressure ही नहीं होता। तो ये था बच्चों तीन types families का according to their member के according, small family, big family and joint families, right? चलिए अब देखते हैं इसके कुछ importance है इस chapter में जो आपने पढ़ा है बच्चों, इन सभी बात को एक point पे summarize के according आपको यहाँ पे दिया गया है। इस पॉइंट को आपको माइंड में अच्छे से रखना है। पहला जैसे यहाँ पे लिखा है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कह लीजिए। पहला, फैमिली इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी, ये सबसे की वर्ड है, आप चाहे तो कहीं पे लिख लीजिए। फर्स्ट यूनिट क्या कह रहे हैं बच्चों, फर्स्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी, फर्स्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी, गुड। अगला कह रहे हैं Family members should help each other. जो families member होते हैं ना बच्चों, वो एक दूसरे को help करना चाहिए। या small family रह लें, big family रह लें, joint family रह लें, या किसी भी family में हैं, तो all family need help to each other. That's a good thing. Next point कह रहे हैं, they should love and care for each other. एक दूसरे से लव करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, टेक केयर रखना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, जिससे आपकी फैमिली की जो ग्रो होती है वो एकदम हाई लेवल पे जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, लव एंड केयर ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू द एंटायर फैमिली, अगर आपकी फैमिली में प्यार है, एक दूसरे का केयर करते हैं, तो आपकी फैमिली जो बच्चों स्वर्ग से भी ज्यादा अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे हो सकते। तब जब आपके फैमिली में एक दूसरे से प्यार हो, एक दूसरे का केयर करे और इससे एक दूसरे का अपनी खुशियों को भी शेयर करता है, राइट। तो ये कुछ फैक्ट था
जो आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं इन सब बातों को चलिए आगे बच्चों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब ये था कुछ क्वेश्चंस, ये आपने जो कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं बच्चों उनके बेसिस पे आपको यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको आंसर्स भी दे रहे हैं, राइट। आपने क्या सीखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसी लेक्चर में आपको आंसर्स भी दे रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है, टेस्ट योर सेल्फ, क्या है बच्चों, टेस्ट योर सेल्फ मतलब क्या हुआ, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनके अकॉर्डिंग आपको एक टेस्ट लिया जा रहा है और आपको इसका आंसर्स देना है। चलिए हम प्रयास करते हैं आपको बताने का। पहला क्या है आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, चलिए आपके फैमिलीज में कितने मेंबर्स हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, राइट। इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, तो आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो देयर आर 4 मेंबर्स, 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, ठीक है। क्या है बच्चों, आपके अगर फैमिली में 5 मेंबर्स है तो 5 मेंबर्स लिखेंगे, 6 मेंबर है तो 6 मेंबर लिखेंगे, जितने भी मेंबर्स है ना उतने मेंबर्स आप लिखेंगे, राइट। स्टेटमेंट वही के दे आर डैश यहां पे सिर्फ चेंज हो जाएगा, जितने मेंबर्स है उतने मेंबर्स आप। चलिए अगला क्या है, व्हाट इज योर फादर नेम, तो सिंपल आप लिख देंगे माय फादर, राइट बच्चों, माय फादर नेम इज, आपके फादर्स के जो भी नेम्स हैं यहां पे आप मेंशन करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज योर मदर्स नेम, राइट, तो सिंपल लिखिएगा माय मदर नेम इज, राइट, आपके जो भी मदर्स के नेम है यू विल मेंशन देयर, ओके। एंड उसके बाद वेयर डू यू लिव इन, राइट, वेयर डू यू लिव इन, आप कहां रहते हैं, तो आप जहां भी रहते हैं आई लिव इन गुरुग्राम, गुरुग्राम बच्चों मैं गुरुग्राम में रहता हूं तो मैंने गुरुग्राम लिखा, अगर आप जहां लिखते रहते हैं वहां आप लिखेंगे, क्लियर। चलिए अगला कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, आपका स्कूल का क्या नाम है, तो सिंपल जो भी आपके स्कूल का नाम है माय स्कूल्स नेम इज, जो भी स्कूल का नाम है बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे अगर हर्ष पब्लिक है तो हर्ष पब्लिक स्कूल, एस्टर वैली है तो एस्टर वैली, डीपीएस है तो डीपीएस, सेंट माइकल है तो सेंट माइकल, जो भी स्कूल का नाम है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आई होप आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से दे रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताना अपना आंसर्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड पे देखते हैं बच्चों आगे की क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ फैमिली डू यू हैव, मतलब आप किस टाइप के फैमिली में है, स्मॉल फैमिली में है, बिग फैमिली में है, ज्वाइंट फैमिली में है, तो कमेंट करके मुझे बताओ आप किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, स्मॉल फैमिली में रह रहे हो या बिग फैमिली में या फिर ज्वाइंट फैमिली में, राइट। चलो तो फिलहाल मैं तो बच्चे स्मॉल फैमिली में रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्मॉल फैमिली, आई हैव लिव्ड इन अ स्मॉल फैमिली, आप चाहो तो देखिए आई हैव लिव्ड इन स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली, ठीक है। अब कह रहे हु हेल्प यू इन डूइंग योर होमवर्क, आपके होमवर्क में आपका हेल्प कौन करता है, फादर्स करते हैं, मदर्स करता है, फ्रेंड्स करते हैं और आपके कोई और टीचर्स करते हैं, जो भी करते हैं उसका नेम को यहाँ पे मेंशन करना, राइट। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए माय पेरेंट्स डूइंग होमवर्क, हेल्पिंग होमवर्क, तो आप ये आंसर स्कूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है प्ले विद यू, तो आप क्यों किसके साथ खेलना पसंद करते हो या खेलते हो, फ्रेंड के साथ खेलते हो, पेरेंट्स के साथ खेलते हो या जिसके साथ भी खेलते हो, एंड यू विल आंसर देयर, दैट्स फाइन, राइट। उसके बाद हु टेल यू अ स्टोरी एट नाइट, तो ऑब्वियसली बच्चों ग्रैंड मदर्स, जी आर ए एंड
प्रेग्नेंट मदर जो होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, बच्चों को नाइट में क्या करते हैं, स्टोरी सुनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? स्टोरी सुनाते हैं। तो आई होप इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से फील के साथ समझ आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, ये तो था कुछ क्वेश्चंस, अब आपके कुछ फिलअप्स भी हैं जो आपको यहाँ पे बताने हैं, इनके आंसर्स बताने हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हीं के बेस पे हैं। सो फर्स्ट फिलअप्स को देखते हैं, क्या है, डैश इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। बताइए मुझे क्या होगा यहाँ पे, फैमिली, राइट? क्या होगा बच्चों यहाँ पे, लिखेंगे हम लोग फैमिली। Family is the first unit of the society. A family with more than two children is dash big family, right? क्या होगा बच्चों? Big family, ठीक है। A small family is dash. कह रहे कि a small family is क्या होगा बच्चों? Happy family. Happy, HAPPY. A small family is a happy family. Okay. A family dash है क्या? तो family member क्या होगा बच्चों? Member, M-E-M-B-E-R है ना? Member, right? A family member take care each other. जो important points बताया था बच्चों, उसी में से ये सारे question आपके बन सकते हैं अगर आपने उसको ध्यान से समझा होगा तो। चलिए, dash take tell story at night. तो grandmother हो जाएगा बच्चों, Z-R-A and the grand और लिख दीजिए mothers. तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये आपके टेस्ट में, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके आंसर्स भी आपको अच्छे से देने पड़ेंगे। कब? जब इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद करेंगे। आप चाहे तो बच्चों इनके स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो बच्चों, यहाँ पे आ गया कुछ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स इसीलिए पूछा जाता है बच्चों कि आपने जिस चैप्टर का रेटिंग लगाया इससे क्या समझे, इसका पता लगाते हैं ट्रू फॉल्स से। चलिए पहला ट्रू फॉल्स क्या है इनको हम समझते हैं। अ स्मॉल फैमिली इज अ सैड फैमिली। स्मॉल फैमिली जो है बच्चों वो सैड फैमिली होता है? जी नहीं, हैप्पी फैमिलीज होता है। तो ये क्या होगा? फॉल्स लिखेंगे हम, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ अंकल्स एंड आंट्स आर कॉल्ड कजन। ऑब्वियसली बच्चों ये क्या होगा? ट्रू। तो आपके चाचा के लड़के, आपके जो ताऊ के लड़के जो होते हैं वो क्या होते हैं? कजन ही तो बोलते हैं ना। यस, दैट्स अ ट्रू। अ फैमिली फाइव और मोर पीपल्स इज कॉल्ड स्मॉल फैमिली। ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा फैमिली इंक्लूड अंकल्स आंट एंड कजन्स इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली। जी नहीं, इसमें ग्रैंड पेरेंट्स तो जोड़ा ही नहीं, पेरेंट्स तो जोड़ा ही नहीं, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अ फैमिली विद देयर कह रहा अ फैमिली विद थ्री या फोर मेंबर इज कॉल्ड बिग फैमिली। तो ये भी क्या होगा बच्चों? फॉल्स होगा, क्योंकि आप यहां पे ध्यान दीजिए, थ्री और फोर मेंबर मैंने किसे बताया था? स्मॉल फैमिली में बताया था। किसे बताया था? स्मॉल फैमिली में। इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको डिटेल वन बाय वन आपको अंडरस्टैंड करवाया, जिससे कि इन सभी क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है बच्चों? तो इसी के साथ क्या है बच्चों, आपका क्या है, ये चैप्टर जो होता है बच्चों क्या होता है? फिनिश होता है, राइट? तो मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। तब तक आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिनको इस वीडियो से, इस कॉन्सेप्ट से हेल्प होने वाला है बच्चों, उनको जरूर आप शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।